गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों आज के सुबह की शुरुआत हो रही है मम्मी के चरखे से। मम्मी किस चीज की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चल रही है, शादी है ना, उनको शादी के लिए देने पड़ते हैं, इसलिए बना रही है ये गिफ्ट। तो देखो भाई मम्मी खुद से बना रही है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये जो गिफ्ट है वो 200-300 रुपए की आराम से मार्केट में भी मिल सकती है, लेकिन ना यहाँ पे खुद मेहनत करते हैं इतनी ज्यादा और ऊपर से पानी। थैंक यू। मेरे को ना पता क्या करना पड़ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए। आप मेरी आवाज को तब से देख रहे हैं ना, गला खराब ही है, अभी तक भी जुकाम लगा है, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। खैर मैं बात कर रहा था मम्मी की। तो ये है भाई हमारे गांव का कल्चर चरखा, जो कि मम्मी अपने हाथों से बहुत मेहनत लगेगी चीज बनाने को, बट चीज इतनी तगड़ी बनती है ना, बन के दिखाऊंगी ना कैसी बनती है। कितना दिन लग जाएंगे लगभग एक चीज को बनाने के लिए, एक सोने के लिए बनाना हो तो? एक सोने के लिए बनाने लग जाएगा 10-20 दिन। 20 दिन सिर्फ और सिर्फ यही, बाकी के प्रोसेस तो अलग से भाई। मम्मी तो जा रही है मार्केट क्योंकि मासी की लड़की की शादी है ना, तो दो बहने आपस में मिलके गहने खरीदने जा रही है मतलब। और ऊपर से आज शायद हो सकता है कि दीक्षु भी आ रही है ना, है चांसेस। तो दीक्षु भी अगर आएगी तो घर में और भी ज्यादा रौनक लगेगी, लेकिन तब तक मैं खा लेता हूँ भाई ओल्ड तरीके से खाना। तो आज बना है देखो साग, और साथ में बनी है अपनी हिमाचल की डिश रेडू, और साथ में चपातियाँ। दीक्षु के वेलकम के लिए मैंने रखी दीक्षु की फेवरेट चीज एक आम। वो एक ही बचा है, बाकी कौन खा गया? पता नहीं, मैं तो खाई नहीं। मम्मी रिया ने नहीं खाए? मैं तो वैसे नहीं खाती। हाँ रुको रुको, क्या नहीं नहीं किसने खाए? ये कैसे, वो मेहमान आए थे उसको दिए था ना। हाँ उसको पूछ एक आ गई है, वो तो कर पूरा दांत खाया, अभी कैसे मना कर रही है। तो इतना बड़ा आम खाने की अपनी शक्ल देख, तेरे मुंह के बराबर तो आम है। ये देखो ये आम है ठीक है, और रुको रुको रुको, और ये लगभग रिया से बड़ा है, अगर रिया की शक्ल के सामने लाऊं तो आम गायब। और आधा आम तुम खा गए और मना कर रहे, एक ही है बेचारा, ये भी सड़ गया है, दीक्षा को ऐसे देना पड़ेगा प्यार से। मैं अगर कुछ फ्रिज में से चुरा के खाता हूँ ना तो वो खाता हूँ भाई मलाई। कितने लोगों को मलाई पसंद है कमेंट करें, मलाई चोर। दिक्कत एक ही है कि आज के दिन तो मैं नहीं खा रहा भाई, क्योंकि गला ऑलरेडी खराब चल रहा है, ऊपर से ये ना ऐसे चिपक चिपक सी जाती है, तो बिल्कुल नहीं। दोपहर के दोस्तों अभी लगभग 12 बज रहे हैं, तो घर वाले तो सारे के सारे चले गए और बैठे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं और ब्रोनी जो कि इंजॉय कर रहे हैं वेदर को। कि दोस्तों अभी ना यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बढ़ गई, आप मानेंगे नहीं, इसलिए बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहते हैं कि भाई आप जैकेट का इस्तेमाल क्यों करते हो। तो देखो यार आपको पता है ये पहाड़ी एरिया है, ठंडा एरिया है बिल्कुल, यहाँ पे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए, बट बीच में कभी भी अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ ना भाई, तो आपको जैकेट और अपने जो गर्म कपड़े वो हमेशा निकालने पड़ते हैं। फिर ठंडियों में तो आपको पता ही कि यहाँ पे क्या हालत होती है। गाइस यार ये जो डॉगी है ना भाई, इसने पूरा का पूरा फुल ट्रेन किया है ब्रोनी को फाइट करने के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसकी ये वाली लेग जो है ना वो टूट गई थी, तो इसको हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, बट उसके बाद भी भाई ये सही नहीं हो पाया। तो आज भी 3 लातों के सारे चलता है, आप देखने अगर लो, अच्छा अभी उठ नहीं रहा है, बट दोस्तों आप मानेंगे नहीं फाइट करने को। देखो ये इतना ज़बरदस्त डॉगी है ना कि किसी को नहीं छोड़ता भाई, जब भी फाइट करने की बारी आती है 3 ही लातों के सारे जी रहा है, बट आज भी ब्रोनी को पछाड़ देता है। कुल मिला के दोस्तों फाइनली दीक्षु भी पहुंच चुकी है यहाँ पे, और देखो भाई से बिना मिले, इसको बोलते हैं मैंगो लवर, इसने खाना भी शुरू कर दिया, थोड़ी सी शर्म कर लेते, मेरे को आने देते, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। कितने प्यार से रखा था मैंने पता है, और इसने काट के खा लिया। सारे मांगने लग पड़े हैं, मम्मी और ही मेरे को दे रही है, झूठ बोल रही है। अरे इतने तो खाए हैं सब लोगों ने, झूठ बोल रही है, मैं भी खुद दे रही है, मैंने भाई कसम से मम्मी मतलब ना पूरे बच्चे वाली आ गए, तो देखो मेरे को पता है कैमरा जैसे आता है ना, तो नहीं नहीं चलो मेरी खाओ खाओ, मेरी कसम खाओ कि आप नहीं मांग रहे थे, मैं मांग रही हूँ आपकी कसम की उठानी, मैं वो लेकर आई हूँ फिर मांग रही हूँ। पकड़े जाते हैं मम्मी आप, ठीक है देख लेना, पता है मुझे कैमरा देख के मम्मी थोड़ा बदल जाती है। जीजा कहाँ गए? वो अभी मार्केट में है, मार्केट में ही मेरे लिए कुछ खेल लाई के नहीं आए कुछ खाने के लिए, देखो क्या मक्खियों ने क्या खा रखा है। अरे चौमिन और मोमोज, ये क्या भाई, इसको मैं ऐसे मारूंगा ना पत्थर से लगेगी ना, ये आपको पता है मार्केट में हमने कितनी देर पहले करवाया। चलो कोई नहीं चलेंगे, तो चलो गाइस चौमिन और मोमोज खाते हैं। अभी देखो शाम वाली चाय भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, बट भाई हर जगह ना मक्खियां ही मक्खियां आ गई है आम की, इसके अंदर भी घुस जाती है यार बहुत सी। काले मक्खियाँ थोड़ी इलायची होती है यार, क्या बात करते हैं, इसको उठा के बाहर फेंक देना। हाँ बस हो गया।
दूर रख दे, बस करिए देखो छिलके भी इसने कैसे खा कर रखे, छिलके भी खा जाए, खा रही है सब कुछ जो भी आ रहा है सब ऐसे कुछ। ये चाय मैंने बनाई, ये पहले ये देखो दीक्षा का आम खाना तो दोस्तों पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन थोड़ी देर में आने वाले जीजा जी, तो ऐसे में आप देख सकते हैं रिया ने यहाँ पे प्याज काट दिया है। तो आज कुकिंग जो एक बार फिर बहुत दिनों के बाद करने जा रहा हूँ मैं, इसके लिए पानी अब ज्यादा है। वाह मम्मी देख लो कितनी खुश होगी, क्योंकि हमेशा मम्मी का ही नंबर लगता है ना। समझ आ गया मुझे, रिया ही बनाती होगी आजकल ना, जब से हम लोग बाहर रहते हैं। आपको पता है मैं थोड़े टाइम बाहर था, तो फिर ऐसे में रिया शबार, मुझे 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 उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा लाइक हो गए। पता क्या होगा भाई, जब पल्लू या कबू आ जाएंगे ना, तू भी कर, तू भी कर, वैसे वैसे करके ना। जीजा को कॉल करो और बोले मक्खियां मारने की दवाई तो ले आए एटलीस्ट। करो करो करो। तो ये देखो यहाँ पे चल रहा है भाई शॉर्ट आउट, जीजा जी आ गए ना, और साथ ही साथ में मेरी मासी की लड़की भी आई है जो हाल ही में अब नई दुल्हन बनने वाली है। हमारे घर में आई नई दुल्हन, सच में हाँ अच्छा ही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तुमने भी पहना, तुमने तो सबसे पहले लिए होंगे फोटोज, क्योंकि भाई कोई भी चीज हो ना पहले दीक्षा तो आप ऐसे समझ लो ना, बस ऐसे मतलब पूरा। और दीक्षा तो आपको तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह भी बनाती है, मैं तो एकदम से हैरान हो गया था देख देख के, ऐसे करना एक्टिंग कैसे करती है, करना है टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन अभी ये लोग नहीं समझे। खैर ये आए हैं, बहुत ज्यादा मना करती है कि मत बनाया कर ऐसे ऐसे वीडियो में, नहीं बनाती क्योंकि मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगती है उतनी ज्यादा, लिपसिंग खासकर अच्छी नहीं लगती है। तो ये आई है और साथ में आए हैं जीजा जी, तो चलो अब जीजा से मिलाता हूँ। आए तो आए लेकिन आते ही लेट गए। जीजा जी क्या हो गया यार आपको, और ठीक ठाक हो? पहले तो ये बताओ, बढ़िया क्या हो गया, ऐसा लेट क्यों गए? भाई मेरे वाले दीक्षु तो बता रही ये तो जीजा जीजा छोड़ दो यार मजाक करना, छोड़ दो सच में मेरे को मतलब ऐसे नहीं, पहले देख लेता हूँ। अब तू भी हंस के मेरा मजाक बना रही है सच में, बीमार हो गया जीजा जी है ना यार, सर्दी जुकाम सेम मेरी भी यही तो हालत थी। आज आप दोनों सो जाना ठीक है उस वाले रूम में साइड में। क्यों मामा ये कोरोना वाली नहीं है दोनों ये कौन सी बात हो? वैक्सीनेशन लगवा लिया ना जीजा पूरा? लगा दिया आपने? हाँ मैंने भी लगवा लिया था, मैंने तो चार पांच लगाए अभी एक बार नहीं लगाए। अरे नहीं लगवा लिया सच में मैंने। चलो चलो आपको ठीक करते हैं, नीचे चलो मेरे कमरे में। नीचे कमरे में मैं मेरे पास है मेडिकल स्टोर है नीचे, पूरी की पूरी दवाई रखी मैंने। कोई बात नहीं, वैसे दूसरी वाली ना ना सच में दुल्हन ने सारी की सारी फोटो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दी है ना। तुम वैसे कितने साल के हो? 22 22 साल के, अभी और लेट करनी थी शादी 25-26 साल के, क्या इतनी जल्दी लगी पड़ी है? मम्मी पापा की है। तेरी कितने साल की हुई थी शादी? 24 की ना, तेरे दिन अच्छे थे। अजीजा आप कितने साल के हो? मैं 24 अब ऐसे ना ऐसे बंदा पहले से बीमार है, ऊपर से ऐसे मारोगे क्या होता है? आप आए थोड़ा यार ठीक भी होगा, मतलब हम लगभग सेम ही है, एक साल का फर्क है। तो नीचे आप मूवी देखने जा रहे हैं? सब सोचते हैं मेरा इलाज जल्दी हो जाए, मेरा वही हाल है। आधे घंटे बाद हम चेक करने आएंगे कि नीचे क्या हो रहा है। ठीक है ठीक है, आ जाओ अभी आ जाओ उठ के। यार देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हम रोग की मर रहा है, वो ऐसा सोचता है कि मेरे जल्दी से जल्दी। अरे नहीं सच में मूवी वावी देखने बैठ रहे नीचे, करो स्टार्ट करो हम भी। चलो ठीक है आ जाओ। तो कुल मिला के दोस्तों अभी जो है वो जीजा की ट्रीटमेंट हो चुकी है कम्प्लीट, और जीजा थोड़ी तबीयत में फर्क है ना लग रहा है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। सच में मेरे पास मेडिसिन पड़ी थी मैंने जीजा को दी, और जैसे कि सोने से पहले ना हम लोग पीते हैं भाई चाय, अब देख सकते हैं चाय यहाँ पे आ चुकी है। और सच में यार हम लोगों को, मुझे और जीजा को ना बोला है कि भाई आप लोग इधर ही सो जाओ, मैंने कहा क्यों? तो दीक्षु बोल रही है कि आज मैं तो भाई मम्मी के साथ सोऊंगी, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े दिनों के बाद जब भी दीक्षु आती है उसको सही रहता है। चलो मैंने कहा ठीक है फिर मैं और जीजा ही यहीं पर सो जाते हैं, हालांकि प्राइवेट रूम में भी स्पेस है, बट यहाँ पे
सोते हैं। तो दोस्तों कुछ आज का ही पूरा का पूरा ब्लॉग इस तरह का था। आई होप आज का ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में जरूर जोर से बताएं कि क्या आप भी शौकीन हैं रात के टाइम पे चाय पीने के। और फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भूगोल ग्रह आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।